नमस्कार, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका वीक। तो एरोमा थेरेपी में आज हम अब थोड़ा और आगे बढ़ गए हैं। हमने एरोमास के बारे में जाना और अब हम एरोमा के यूजेस जान रहे हैं कि किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और भी तरीक़ों से। मतलब सिर्फ डिजीज़ में काम नहीं आता, ये ब्यूटी के काम भी आता है, ये आपकी स्किन के नरिशमेंट के काम भी आता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि बॉडी ऑयल कैसे बनाना है। और इसमें ये जो बॉडी ऑयल है ये स्पेशल है पाल्मरोसा ऑयल का। अगर क्योंकि वो जो ऑयल है वो ना कि सिर्फ नरिश करता है बट आपकी स्किन को रिपेयर भी करता है और अंदर से हील भी करता है। तो बॉडी ऑयल तो वैसे फ्रैंकेनस्टाइन का भी बना सकते हैं, पर अभी हम आज पाल्मरोसा डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको 30 ml जो है जजोबा ऑयल लेना होगा, ठीक है। एक बॉटल में आपने जैसे जजोबा ऑयल ले लिया, उसमें आप 4 ड्रॉप पाल्मरोसा ऑयल के डालेंगे, 3 ड्रॉप आप जर्मन कैमोमाइल के डालेंगे और 3 ड्रॉप वेटिवर ऑयल के। जब इसको अच्छे से शेक करके बना के रख लीजिए और इसको यूज़ करके देखिए और देखिए आपकी स्किन जो है कितनी सॉफ्ट होती है और कितनी ब्यूटीफुल बनती है। आई होप ये बॉडी ऑयल आप बनाएंगे, यूज़ करेंगे और बिल्कुल मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में भी कि कैसा लगा आपको इसको यूज़ करके। और बाकी मैं आपको टिप्स बताती रहूँगी, आप मुझे लिखते रहिए कि आप किस चीज़ में जानना चाहते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँ। चाहे वो डिज़ीज़ हो, चाहे वो स्किन इशू हो, चाहे वो कुछ भी हो। मैंने अलग अलग तरीके की मॉडलिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया है। अब अगले मंडे से मैं आपको बैच फ्लावर के बारे में बताऊंगी, ट्यूसडेज को मैं आपको एरोमा के बारे में बताऊंगी, वेडनेसडे को मैं आर्ट थेरेपी के बारे में। आपको थोड़ा सा थेरेपी आप मेरे साथ साथ कीजिए, मेरे साथ ड्रॉ कीजिए या फिर जो मैं ड्राइंग करती हूँ उसको आप देखिए। कार्टून हम बनाएंगे वेडनेसडे के दिन। थर्सडे को मैं आपको एस्ट्रो टिप दूंगी, फ्राइडे को हम स्टोरी सुनेंगे और सैटरडे संडे ज़रा आराम करेंगे और इन वीडियोस को दोबारा देखेंगे और जो सी अच्छी लगी उसको आगे शेयर करेंगे। एलोपैथी अपनी जगह है, सर्जन्स अपनी जगह है, डॉक्टर्स अपनी जगह हैं और अपनी केयर हम खुद रखें वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हमें उस लेवल तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप पहुंच भी गए हैं, आई एम श्योर आप जब ये एरोमास यूज़ करेंगे आपको अपने आप में इफ़ेक्ट दिखेगा। आप प्लीज़ यूज़ कीजिए एरोमास। ये इंडिया में मुझे पता है इतने फेमस है नहीं, पर अगर आप यूज़ करेंगे आप खुद देखेंगे कितना डिफरेंस है। तो आई होप ये बॉडी ऑयल आप बनाएं, यूज़ करें और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा, आपकी स्किन ने रिएक्ट किया और आपको कैसा लगा, क्योंकि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स है नहीं पाल्मरोसा के और वेटिवर कैमोमाइल, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हाँ, और अगर आप इसमें 3 ड्रॉप्स पटचोली के भी डाल लें इस ऑयल के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ इश्यूज जो हैं उसमें भी कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप कहें तो मैं एक बार ही रिपीट कर दूँ आपके लिए। 30 ml जेजोबा ऑयल लेना है, उसमें 4 ड्रॉप्स आप पाल्मरोसा के डालेंगे, 3 ड्रॉप आप पटचोली के डालिए, 3 ड्रॉप आप वेटिवर के डालिए और 3 ड्रॉप जर्मन कैमोमाइल के डालिए और उसके बाद आप देखिए आपको कितना अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा। आई होप ये बॉडी ऑयल आपको अंदर से भी हील करे और आपकी स्किन को शाइन कराए। ये वीडियो आपकी या आपके किसी अपने की मदद करे। तो हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्ते।